आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। अलीगढ़ के कलश फार्म हाउस ताला नगरी रामघाट रोड जनपद अलीगढ़ में सामूहिक कार्यक्रम हुआ। उपस्थित अतिथि जिला समाज कल्याण अधिकारी रंजन सिंह, नगर आयुक्त अमित असरी, मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा राणा, जिला अधिकारी विशाख जी, श्री संदीप सिंह, सांसद श्री सतीश गौतम जी, राजवीर दिलेर, जय विजय सिंह, श्रीमती विजय सिंह, श्रीमती मुक्ता राजा, विधायक अनिल पाराशर, राजकुमार सहयोगी, श्री अनूप प्रधान, रविंद्र पाल सिंह, श्री मानवेंद्र सिंह एवं कृष्ण पाल सिंह, सभी माननीय अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन हुआ। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भगवान देवी, आंगनवाड़ी सहायिकाओं ने गणेश वंदना कर मंगल गीत गाए। सतीश गौतम व अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर सामूहिक विवाह का शुभ आरम्भ किया। संवाददाता पूजा शर्मा की रिपोर्ट। ओम परमेश्वरः श्री दीप ज्योति देव नमो नमः प्रार्थनां ध्यानं समर्पयामि स्वस्ति तिलकस्य चंद्रमा ओम गंधद्वारं दुरादर्श विवाह कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में हमारी मुख्य विकास अधिकारी महोदय आ चुकी हैं। मैं फिर से चाहूंगी बाला बाला देवी प्रतिमा वसु वसियत मारुता। अभिप्राय यह है कि आज आपके इस शादी के बाद आपकी जो आत्मा का मिलन है वो 7 जन्मों के लिए जर और अमर हो जाएगा। नैनम छिद्र शस्त्राणी यानी आपकी आत्मा को कोई भी शस्त्र छेद नहीं सकता। नैनम दाहत पावका आपके इस युगल आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती और ना ही इसे बाल सुखा सकता है। वीडियो साहब से अनुरोध है कि एक बार ये देख ले आपके जितने भी जोड़े को आना था क्या वो लोग सभी लोग उपस्थित हो गए हैं, जिससे कि एक जिलाधिकारी अगर यहाँ पे सर उपस्थित होते हैं हम लोग ये बताने की स्थिति में रहे कि फला बराग में टोटल सर इतना रजिस्ट्रेशन था और इतने जोड़े आ गए हैं और एक दो जोड़े हमारे रास्ते में हैं, जिससे ये पता रहे कि यहाँ कितनी शादियाँ आज हो रही हैं और कितने लोग अभी प्रतिभाग कर पाए। मैडम आपका शुभ नाम और यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम हुआ है? मेरा नाम मोनिका है और मैं यहाँ एक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में आई हूँ। ये कलश गार्डन है जो ताला नगरी से स्थित है। यहाँ पर आज लगभग 400 जोड़ों की शादी हुई है और शादी देखने लायक थी। भव्य रूप से यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें वर वधू दोनों आए थे। जो लड़की 18 वर्ष तक की आयु की है या उससे अधिक हो या 21 साल तक का लड़का उससे अधिक हो, इन एज गाइडलाइन के साथ जो शादी है संपन्न की गई है। जिनके माता पिता गरीब हैं और शादी नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे में वो शादी करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी जगह मैं योजना कहूँगी उनके लिए बहुत फ़ायदे की है। 51,000 रुपये की एक धनराशि का भी यहाँ पर योगदान दिया जाता है सरकार की तरफ से, जो इनके लिए बहुत आरामदायक है, जिसमें 35,000 रुपये कैश अकाउंट में आते हैं और 15,000 रुपये तक की धनराशि का पूरा सामान इनको दिया जाता है, जैसे बिछिए पायल और कुछ बक्सा और कुछ कपड़े दिए जाते हैं। तो ये सरकार ने बहुत अच्छी योजना बना रखी है कि हर बेटी चाहे माँ बाप कितने भी गरीब हो सबकी शादी अच्छे से की जाती है। कोई अकेले परिवार में रहकर इतनी सारी जिम्मेदारी निभा कर निकल सकता, जो यहाँ पर इतने बड़े पंडाल में इतने बड़े अच्छे आयोजन के साथ यहाँ खान पान का भी पूरी व्यवस्था की गई है, उसमें रिश्तेदार दोनों पक्ष के वर वधू के आकर के यहाँ पर देखें और सब लोग इसका जलपान का अच्छे से खान पान करके जाते हैं और बहुत ही तारीफ हो रही है चारों तरफ से कि ये बहुत अच्छी योजना है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कई वर वधू हमारे सामने यहाँ इस टाइम खड़े हैं। कुछ और खाने का भी आयोजन किया गया, अभी पीछे विवाह सम्पन्न भी किए जा रहे हैं। पंडित जी सबके लिए वही मंत्र पढ़ते हैं जो सब लोग उसी तरीके से यहाँ शादियाँ होती हैं। इस प्रकार ये फॉर्म भरे जाते हैं, ऐसा नहीं है, पता लगता है बिल्कुल। हम प्रचार प्रसार भी करते हैं और सभी के माध्यम से ये थोड़ा लोगों को जानकारी देर तक इस वजह से भी हो पाती है क्योंकि उनके पास कोई मीडिया का साधन नहीं है, मोबाइल नहीं है, ये अनअवेयर हैं। अगर इनके पास कोई
साधन ऐसा हो जैसे मोबाइल है व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप से नहीं जुड़े होते और गांव में सचिवों के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया जाता है। आगे भी गांव में बैठकें करा के इसका आयोजन अच्छे तरीके से करवाया जाएगा। आपका नाम सर? मैं वेद प्रकाश खंड विकास अधिकारी अतरौली। ये सामूहिक मुख्यमंत्री सामूहिक कार्यक्रम है जो सीएम डैशबोर्ड से आता है उसी के अंतर्गत आयोजन किया गया है जहाँ पे हम जो गरीब परिवार से होते हैं लड़के लड़कियाँ उनको शादी करवाते हैं। 51,000 रुपये दिया जाता है जिसमें 35,000 कैश दिया जाता है बाकी का सामान और आयोजन में खर्च किया जाता है। सर आपका शुभ नाम और यहाँ किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है? मेरा नाम पंडित मयंक शर्मा है, मैं गंगिरी का रहने वाला हूँ और यहाँ पे ये माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन है। यहाँ पर अभी फिलहाल में 300 जोड़ों का विवाह हुआ है और अभी एक जोड़ा रह गया उसका विवाह हो रहा है और यहाँ पर करीब 51,000 रुपये की धनराशि दी जाती है इन जोड़ों के लिए और बड़े ही अच्छे तरीके से विधि विधान से यहाँ पर कार्य किया जाता है तो सभी के लिए जन जन तक सुविधाएं पहुँच रही हैं माननीय योगी जी की और जब तक ये सत्ता रहेगी मुझे लगता है कि सबके लिए अच्छा फल ही मिलेगा हमेशा। मैं आलोक कार्य जिला विकासकारी अलीगढ़ जी। सर कार्यक्रम और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम आज आयोजित किया गया जिसमें कितने जोड़े हैं टोटल? करीब 250 जोड़ों की शादी हुई यहाँ पे। और सर किस प्रकार का आयोजन था जिसमें सब तैयारियाँ अच्छे से इन लोगों को? तैयारियाँ बहुत अच्छी तरीके से थे, माननीय जनप्रतिनिधि सांसद जी भी यहाँ पर आए हुए थे और जिला पंचायत अध्यक्ष भी आई हुई थी और माननीय हमारे अधिकारी लोग भी आए थे और सारी तैयारियाँ यहाँ पर सम्पन्न कराई गई। सर रिश्तेदारों के लिए खान पान की व्यवस्था का? सभी को खाने की उचित व्यवस्था थी और बहुत अच्छे प्रकार से कार्यक्रम कराया गया। धन्यवाद सर। शुभ नाम और यहाँ किस तरह का कार्यक्रम हुआ है? मैं जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास आज जनपद अलीगढ़ में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत लगभग 250 जोड़ों की शादी हमने संपन्न की है और सारा कार्यक्रम सकुशल अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। हमारे माननीय जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद रहे और नवीन जो वरवधू थे उनको आशीर्वाद दिया, इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात होगी। बहुत